हेलो गाइस, कैसे हैं दोस्तों आप सब। इंडियन फूड लैब में आपका फिर से स्वागत है। इडली तो सभी लोग बनाते हैं अपने घर में, लेकिन आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ज्यादा अच्छी है, यूनिक है, इजीली बन जाएगी। लेकिन आपको प्रॉपर जो प्रोसीजर मैं बताऊंगी वो फॉलो करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। कोई भी स्टेप स्किप ना करें अच्छे से बनाने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, डू सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। सो गाइस, सबसे पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं हमने क्या क्या यूज किए हैं। सो गाइस, सबसे पहले बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल जो है सूजी लिया है और एक कटोरी जो है दही लिया है। जब भी ध्यान रखना है जो भी हम कंसिस्टेंसी लेंगे इक्वली हम इसको इसके अंदर डालेंगे। अब मिक्सचर में हम सूजी डाल देते हैं, उसके बाद हम डालेंगे एक कटोरी दही और सबसे लास्ट में हम इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैं हाफ टेबल स्पून यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और अब हम इसको 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। ये कुछ इस तरह का बैटर हो गया इसका। अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 जो है बॉयल आलू लिए हैं। इसके अंदर मैंने मिक्स किए हैं मसाले, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लिया है रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून हल्दी लिया है टर्मरिक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक ग्रीन चिली का पेस्ट लिया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ राई यूज करनी है तो मैंने राई लिया है, कसूरी मेथी ली है और इसके बाद जीरा लिया है, ठीक है, और हींग लिया है यहाँ पे, और अमचूर पाउडर और गरम मसाला और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या जो भी आप लोग यूज करना चाहते हैं वो ऑयल यूज कर सकते हैं। चलिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं पहले। तो गाइस, सबसे पहले हमने पैन ले लेना है या जो भी आप कढ़ाई वगैरह लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और मीडियम फ्लेम कर देना है इसका। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे और इसको गरम होने देंगे अच्छे से। सो गाइस, ये अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जीरा डालेंगे, क्यूमिन सीड्स 1 टेबलस्पून एंड 1 टेबलस्पून हम डालेंगे राई एंड पिंच ऑफ हींग, ठीक है। इसको अच्छे से स्टार कर लेंगे। क्रैकलिंग साउंड आने लग जाएगी। सो गाइस, क्रैकिंग की साउंड आने लग गई है, फ्लेम को हम लो कर देंगे और अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिली का पेस्ट डालूंगी और इसको चला लूंगी अच्छे से। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डालेंगे और सारे मसाले जो हैं हमारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और हमारे जो है उबले हुए आलू और इसको कर देंगे हम अच्छे से मैश और इसको इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और लास्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हैं। अब ये हो गई है रेडी, फ्लेम कर दी है बंद। सो गाइस, 20 मिनट हो चुके हैं और ये टेक्सचर इसका अच्छे से आ गया। अब हम क्या करना है, हमने इसके अंदर नॉर्मल वाटर ऐड करना है और 3/4 इस पैकेट का इनो इसके अंदर ऐड करना है और इसको अब अच्छे से एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर हमने दे देना है। इसको तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से प्रॉपरली। तो ये बिल्कुल देखिए रेडी है। सो गाइस, अब हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है और हमारा बैटर भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने करना क्या है, हमने ब्रेड के पीसीज लेने हैं। मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड लिया है, ठीक है, हम इसको यहाँ रखेंगे और आपने कोई भी कटोरी लेनी है और इसको राउंड शेप में कट कर देना है।
कट हो चुकी है। आप इसको फेंके नहीं, आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स की रेसिपी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी चार जो हैं बना लिए हैं शेप। अब हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर स्टफिंग करनी है आलू की। यहां से लेंगे हम और इस पे अच्छे से हम इसको लगा देंगे। सिमिलरली हमने इन पे चारों पे जो है स्टफिंग लगा देनी है आलू की। ये लग गई, ऐसे ही हम बाकी पे लगा देंगे। दैट्स इट। और लास्ट वन, इस पे भी हम स्टफिंग अपनी लगा देंगे। तो स्टफिंग हमारी रेडी है। हमने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने बिल्कुल हल्का सा 1 स्पून अराउंड ऑयल डाला है और इसको हम ऐसे पूरे में अच्छे से फैला लेंगे पहले। ठीक है, फैलाने के बाद अब हमने करना क्या है, हमारी जो आलू हमने जिस साइड लगाए हैं हम इस पे ऐसे डाल देंगे और इसके ऊपर हमने अपना बैटर डालना है अच्छे से। बस हो गया ये रेडी। और ऐसे ही हमने बाकी के चारों जो राउंड शेप बनाई है वो इसके अंदर डाल देनी है और उसके ऊपर बैटर लगा देना है। अब बैटर लगाने के बाद इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट और फ्लेम को कर देंगे लो। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से हमने इसके ऊपर लगा देना है। ये लग गए हैं। अब हम इसको अच्छे से ढक देंगे और इसको 10 से 15 मिनट ना लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट बाद चेक करते हैं इसका टेक्सचर कैसा आता है। गाइस, 10 से 15 मिनट बाद मैंने जो है अपनी इडली को पैन से निकाल लिया है और चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। और ये बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। दैट्स इट। और ये बिल्कुल प्लेटिंग हमारी जो है रेडी है। देखिए जो हमारी इडली का जो टेक्सचर है वो कितना ज्यादा स्मूथ आया है, दोनों तरफ से देख सकते हैं आप। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। और अगर आप कोई रिकमेंडेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।